हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ हिंदी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस स्टोरी का नाम है जो देख कर भी ना देखते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह है परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुकी हूँ। मेरे विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना दिखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चड़ी की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों की नई काली कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करके मैं अपार आदान मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चिड़ है फैली पट्टियाँ और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की रंग उनकी संवेदना को नहीं छूटे। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद के लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि हम नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को हरा भरा किया जा सकता है। सो बाय।